पार्ट 15, कुछ सामान्य अशुद्धियाँ। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे कि कुछ सामान्य अशुद्धियाँ। आप जानते हैं कि अशुद्धियाँ मतलब कि गलतियाँ, जो अशुद्ध उच्चारण और व्याकरण के सही ज्ञान के अभाव में आप लोग लिखते समय गलतियाँ करते हैं। अशुद्ध वर्तनी का मूल कारण भी यही है। अगर विद्यार्थी यानी कि आप सभी इस पर ध्यान दें तो आप अपनी भाषा को शुद्ध कर सकते हैं। आइए जानते हैं अशुद्ध और शुद्ध। जैसे कि परंतु परंतु, आयु आयु, बहुत बहुत, एक एक, कारण कारण। इसी तरह से और भी बहुत सारे शब्द आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। बच्चों, तो अब हम आपको अशुद्ध व शुद्ध शब्द की जानकारी दी है, आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली क्लास में दिन, महीने और त्यौहार की बात करेंगे। धन्यवाद।